डीटीएस एन टीवी इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज राष्ट्र में चाइना कीट है, इसके अंदर देखो ये आपको राष्ट्र में दिख रही है 4-5 लाइनें सिर के ऊपर ये प्रॉब्लम बनी हुई है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे। पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। इसके अंदर जो प्रॉब्लम बनी हुई है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले तो इसके अंदर कोई फिल्टर की प्रॉब्लम होती है तो ही ये समस्या आती है, तो मैंने ये फिल्टर डाल दिए तो भी ये समस्या बनी हुई है। सभी टीवीओ के अंदर 100 UF का अगर हम कैपेसिटी चेंज कर लेंगे ये, तो उसके बाद में ये समस्या सॉल्व हो जाती है। ये नहीं, ये समस्या कहाँ पे है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टैग देखिए, ये सप्लाई आ रही है, ये सप्लाई, यहाँ एक डायोड लगा हुआ है, डायोड के बाद में एक फिल्टर लगा हुआ है, ये फिल्टर से सप्लाई यहाँ जा रही है। देखिए 1, 2, 3 नंबर पिन पे, ये 3 नंबर पिन पे ये सप्लाई जा रही है, ये सप्लाई के ऊपर भी फिल्टर लगा हुआ है, इसी की वजह से भी ये समस्या आती है। लेकिन मैं इस फिल्टर को नया डाल दिया तो भी ये समस्या मेरी सॉल्व नहीं हुई, तो मैंने 2 और फिल्टर लगे हुए थे उसको भी चेक कर लिया, लेकिन ये समस्या सॉल्व नहीं हुई। तो एक बार वापस चालू करता हूँ, शायद फिल्टर के ऊपर फिल्टर लगा के इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं कि इससे समस्या सॉल्व होती कि नहीं होती है। क्यों फिल्टर खराब हो जाता है आपको दिखे भी नहीं देता है, कई बार ऐसा होता है कि नया डालते हैं तो भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं इसके ऊपर दूसरा फिल्टर लगा के चेक करूंगा ताकि मेरे को कंफर्म हो जाए कि ये समस्या इसी के फिल्टर की है कि ये दूसरा कोई कारण है। इससे भी नहीं हो रही है, यहाँ पे माइनस, ये प्लस सप्लाई है, यहाँ पे भी नहीं हो रही है, यहाँ प्लस है, इसके ऊपर लगा के देखता हूँ, यहाँ पे बढ़ती है, यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये नहीं, ये लाइन के अंदर ही समस्या है। तो इसको एक जो डायोड लगा हुआ है ये डायोड को चेंज कर लेता हूँ, पहले कंफर्म ये डायोड ही निकलना चाहिए। ये 27 वॉट की सप्लाई है, यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, ये डायोड की प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरा कोई प्रॉब्लम मेरे को मिला नहीं है। सबसे ज़्यादा ये फिल्टर की समस्या होती है ऐसे बार के लिए। आपके पास नया हो तो ठीक है, नहीं तो पुराना किट में से निकाल के भी डाल सकते हो। इससे दूर होगी कि नहीं होगी अभी पता लग जाएगा। सभी वर्टिकल के अंदर ये साइना किट है और सभी वर्टिकल के अंदर ये डायोड लगा आता है। डायोड का नंबर एक बार चेक कर लेता हूँ, जीरो जीरो वन कैसा कुछ है 7 के, इसके नंबर नहीं दिख रहे हैं, इसको पीछे की साइड में लगा के देखता हूँ।
एक बार वापिस सप्लाई दे देता हूँ, क्या कंडीशन है। चेक चालू हो रहा है। यहाँ एक वोल्ट का डिफरेंस आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे देखो 25 वोल्ट है, यहाँ पे ये हल्का सा डिफरेंस आएगा, एक वोल्ट का डिफरेंस मिलता है, तो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। मेरे पास में 100 का वैल्यू का ये कैपेसिटर है, फिर एक बार लगा के चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें। बढ़ रही है, ज्यादा हो जाती है। यानी वोल्टेज ज्यादा जा रहा है, ये देखिए। यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा जा रहा है, इसी के कारण से हो रहा है। ये वोल्टेज कम जाने से ये प्रॉब्लम है इसमें। इस फिल्टर को चेंज करता हूँ वापिस। नया एक फिल्टर था, शायद इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। पर वापिस चालू कर देता हूँ। तो भी बनी हुई है, इसकी वोल्टेज कितना क्या चेंजिंग आ रहा है। इसके अंदर प्रॉब्लम है अभी भी। इसके अंदर देखो, यहाँ का 100 का फिल्टर लगा हुआ है और ये सप्लाई आ रही है। देखो उस टाइम आ रही थी 8 वोल्ट, 8 वोल्ट की वजह से ये कंटिन्यू ये प्रॉब्लम बनी हुई थी। यहाँ पे फिल्टर की एक शेयर, यहाँ पे कितना आ रहा है देख लीजिए पहले। ये डायोड के आगे लगा हुआ है, यहाँ 26 वोल्ट है और उस दूसरी साइड में कैपेसिटर की दूसरी साइड में ये सप्लाई आनी चाहिए, तभी आपकी वो लाइन वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये दूसरे नंबर पिन और ये आउटपुट की पिन दोनों आपस में, ये जो शॉर्टर विक के जो हल्के से तार है ना,
जिस टाइम मैं शब किया था इसके तार वहाँ से टचिंग हो गए थे, तो ऐसी तो मैंने नहीं लगी थी उसी वजह से, तो ये लूप हो गया था, लूप की वजह से ये प्रॉब्लम बनी थी। अब भी भविष्य में भी ऐसा कोई काम हो तो ऐसी कोटरबल आए कि ऊपर की लाइनें निकल रही नहीं है, तो उसका कारण परफेक्टली आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसे ही एक फॉल्ट दिमाग सेट रहने वाला था जो यहाँ से लूपिंग हो जाने के कारण से ये समस्या बन गई थी। अभी हमारा सेट कंप्लीट है, ये देखो आगे का भाग पूरा क्लियर है। यहाँ पे लाइनें आ रही थी इतनी, वो लाइनें मिट गई है।